आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। पीएम के काफिले में सुरक्षा चूक के मामले की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि सुनवाई के दौरान केंद्र और पंजाब सरकार के बीच जमकर ब्लेम गेम हुआ। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी की घटना में अब तक जांच कम और राजनीति ज्यादा चल रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी पंजाब सरकार और केंद्र सरकार का ब्लेम गेम चालू रहा। पंजाब के एडवोकेट जनरल टीएस पटवालिया ने कोर्ट से शिकायत की कि केंद्र सरकार ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया। अधिकारियों को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। केंद्र सरकार की जांच समिति में निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। पंजाब सरकार का कहना है कि अगर अफसर दोषी निकलते हैं तो उन्हें टांग दिया जाए। पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच कमेटी बना दे। पंजाब सरकार की तरफ से पेश दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना लहजा सख्त करते हुए कहा कि अगर केंद्र पहले से कारण बताओ नोटिस में सब कुछ मानकर चल रहा है तो कोर्ट में आने का क्या मतलब है। सीजेआई एमवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा। पंजाब के अधिकारियों को नोटिस जारी करके आप उनसे 24 घंटे में जवाब देने के लिए कह रहे हैं, ये आपसे अपेक्षित नहीं है। आपकी दलीलें बताती हैं कि आप सब कुछ पहले ही तय कर चुके हैं, तो फिर यहाँ इस कोर्ट में क्यों आए हैं? आपका नोटिस अपने आप में विरोधाभासी है, क्योंकि हमने सबको किसी भी तरह का एक्शन लेने से मना किया था। एक तरफ तो आप एसएसपी को नोटिस भेज रहे हैं और यहाँ उसको दोषी भी बता रहे हैं, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि जब आप अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की शुरुआत कर चुके हैं तो अब केंद्र सरकार हमसे कैसा आदेश चाहती है। पिछले हफ्ते पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान भी जांच पर जिच जारी रही। पंजाब सरकार ने जहां केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने और मनमानी करने का आरोप लगाया, वहीं केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि मामला ऐसे हल होने वाला नहीं है तो कोर्ट ने फिर ऐसी कमेटी बनाई जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के अगुवाई में रहेगी। पंजाब सरकार के ब्लेम गेम और सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवाल पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीएम की सुरक्षा में चूक का पूरा ठीकरा राज्य सरकार के सिर पर फोड़ते हुए केंद्र के एक्शन को सही ठहराने की कोशिश की। तुषार मेहता ने कहा कि ये बहुत गंभीर है कि राज्य सरकार जिम्मेदार अधिकारियों का बचाव कर रही है, इसी के चलते केंद्रीय कमेटी बनानी पड़ी। कारण बताओ नोटिस की नींव ब्लू बुक है जो कहती है कि जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों की थी। ब्लू बुक में साफ है कि सुरक्षा का इंतजाम राज्य पुलिस महानिदेशक की देखरेख में स्थानीय पुलिस करती है। तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब पुलिस के डीजी को पीएम के काफिले को स्पष्ट सूचना देनी थी। इस मामले में एसपीजी एक्ट का उल्लंघन हुआ है जिसके लिए पुलिस अधिकारी जिम्मेदार है। पंजाब के जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लेने में कोई हर्ज नहीं। वीवीआईपी की सुरक्षा में थोड़ी सी भी चूक गंभीर हो सकती है। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने जब पंजाब के अधिकारियों पर एक्शन का बचाव किया तो जस्टिस सूर्यकांत ने केंद्र सरकार से पूछा कि हम पता लगाएंगे कि चूक के लिए कौन जिम्मेदार है। राज्य और याचिकाकर्ता निष्पक्ष सुनवाई चाहते हैं और केंद्र सरकार निष्पक्ष सुनवाई के खिलाफ नहीं हो सकती। ये प्रशासनिक और फैक्ट फाइंडिंग जांच आपके द्वारा ही क्यों हो? कोर्ट को सारे पावर हैं और जहां तक इस विषय की बात है, आप इस चीज को ध्यान में रखें कि आप देश के प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं, एक इंस्टीट्यूशन होता है। जब दो पार्टीज आपस में दूसरे पे भरोसा ना करती हूँ तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट हमेशा इस चीज़ को चाहती है कि इसका कोई ढंग से एक कमेटी बने सो दैट किसी को भी इस पे क्वेश्चन नहीं हो, किसी को भी कमेटी की इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच समिति बनाने का ऐलान कर दिया जो प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा में हुई चूक की ऑल राउंड इंक्वायरी करेगी।
पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच अब ना इनकी कमेटी करेगी ना उनकी कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके साफ कर दिया कि अब हमारी कमेटी इस मामले की जांच करेगी, हमारी जिसमें पंजाब सरकार भी आती है, केंद्र सरकार के नुमाइंदे भी आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस इस मामले की जाँच करेंगे। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।